नमस्कार दोस्तों, नमः शिवाय। जीवन ज्योति चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूं। आज की वीडियो में आप सभी लोग श्रवण करेंगे कार्तिक मास स्नान दान की कथा। दोस्तों, जो भी व्यक्ति पूरे कार्तिक मास में कार्तिक स्नान और दान की कथा और इसके महत्व का श्रवण करता है, उस व्यक्ति को संपूर्ण कार्तिक मास के व्रत और नियम का पुण्य फल प्राप्त हो जाता है। स्वयं ब्रह्मा जी के मुखारविंद से कही हुई यह कथा और महत्व आप प्रतिदिन अवश्य ही श्रवण करें। आइए कथा आरंभ करती हूँ। नारायणं नमस्कृत्य नरम चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वती चैव ततो जय मुदीरयेत। ऋषि बोले, सूत जी, हम लोग कार्तिक मास का महात्म सुनना चाहते हैं। सूत जी बोले, ऋषियों, तुमने मुझसे जो प्रश्न किया है उसी को ब्रह्मापुत्र नारद जी ने जगत गुरु ब्रह्मा जी से इस प्रकार पूछा था। पितामह, मासों में सबसे श्रेष्ठ मास, देवताओं में सर्वोत्तम देवता और तीर्थों में विशिष्ट तीर्थ कौन है, कृपया करके मुझे बतलाइए। ब्रह्मा जी बोले, मासों में कार्तिक, देवताओं में भगवान विष्णु और तीर्थों में नारायण तीर्थ अर्थात बद्रिकाश्रम श्रेष्ठ है। ये तीनों कलयुग में अत्यंत ही दुर्लभ हैं। इतना कहकर ब्रह्मा जी ने भगवान राधा कृष्ण जी का स्मरण किया और पुनः नारद जी से कहा, पुत्र, तुमने समस्त लोगों का उद्धार करने के लिए यह बहुत ही अच्छा प्रश्न किया है। मैं कार्तिक मास का महात्म तुमसे कहता हूँ। कार्तिक मास भगवान विष्णु जी को सदा ही प्रिय है। कार्तिक मास में भगवान विष्णु जी के उद्देश्य से जो कुछ भी पुण्य किया जाता है उसका नाश मैं नहीं देखता। नारद, यह मनुष्य योनि अत्यंत ही दुर्लभ है। इसे पाकर मनुष्य अपने को इस प्रकार रखे कि उसे पुनः नीचे न गिरना पड़े। कार्तिक सब मासों में उत्तम है। यह पुण्यमय वस्तुओं में सबसे अधिक पुण्यतम और पावन पदार्थों में सबसे अधिक पावन है। इस महीने में 33 कोटि देवी देवता मनुष्य के सन्निकट हो जाते हैं और इसमें किए हुए स्नान दान भोजन व्रत तिल धेनु सुवर्ण रजत भूमि वस्त्र आदि के दानों को विधि पूर्वक ग्रहण करते हैं। कार्तिक में जो कुछ भी दिया जाता है, जो कुछ भी तप किया जाता है, उसे सर्वशक्तिमान भगवान विष्णु ने अक्षय फल देने वाला बताया है। भगवान विष्णु के उद्देश्य से मनुष्य कार्तिक में जो कुछ भी दान करता है वह उसे अक्षय रूप में प्राप्त करता है। उस समय अन्नदान का महत्व अधिक है, उससे पापों का सर्वथा नाश होता है। जो कार्तिक मास में पराये अन्न को सर्वथा त्याग देता है वह अतिकृच्छ यज्ञ का फल प्राप्त करता है। कार्तिक मास के समान कोई मास नहीं है, सतयुग के समान कोई युग नहीं है, वेदों के समान कोई शास्त्र नहीं है और गंगा जी के समान कोई दूसरा तीर्थ नहीं है। इसी प्रकार अन्नदान के सदृश कोई दूसरा दान नहीं है। दान करने वाले पुरुषों के लिए न्यायोपार्जित द्रव्य के दान का सुअवसर दुर्लभ है, उसका भी तीर्थ में दान किया जाना तो और भी दुर्लभ है। मुनि श्रेष्ठ, पाप से डरने वाले मनुष्य को कार्तिक मास में शालिग्राम शिला का पूजन और भगवान वासुदेव का स्मरण अवश्य ही करना चाहिए। दान आदि करने में असमर्थ मनुष्य प्रतिदिन प्रसन्नता पूर्वक नियमों से भगवान के नामों का स्मरण करे। कार्तिक में भगवान विष्णु जी की प्रसन्नता के लिए विष्णु मंदिर तथा शिव मंदिर में रात्रि जागरण करे। शिव और विष्णु के मंदिर ना हो तो किसी भी देवी देवता के मंदिर में जागरण करें। यदि दुर्गम वन में स्थित हो या विपत्ति में पड़ा हो तो पीपल के वृक्ष की जड़ में अथवा तुलसी के वनों में जागरण करें। भगवान विष्णु के समीप उन्हीं के नामों और लीला की कथाओं का गायन करें। यदि आपत्ति में पड़ा हुआ मनुष्य कहीं अधिक जल ना पावे अथवा रोगी होने के कारण जल से स्नान न कर सके तो भगवान के नाम से मार्जन मात्र कर ले। व्रत में स्थित हुआ पुरुष यदि उद्यापन की विधि करने में असमर्थ हो तो व्रत की समाप्ति के बाद उसकी पूर्णता के लिए केवल ब्राह्मणों को भोजन करावे। जो स्वयं दीपदान करने में असमर्थ हो वो दूसरों के बुझे हुए दीपक को जला दे अथवा हवा आदि से यत्न पूर्वक उसकी रक्षा करे। भगवान विष्णु की पूजा न हो सकने पर तुलसी तथा आंवले का भगवत बुद्धि से पूजन करे। मन ही मन में भगवान विष्णु जी के नामों का निरंतर कीर्तन करता रहे। गुरु के आदेश देने पर उनके वचनों का कभी भी उल्लंघन न करे। यदि अपने ऊपर दुख आ पड़े तो गुरु के शरण में जाए। गुरु की प्रसन्नता से मनुष्य सब कुछ प्राप्त कर लेता है। परम बुद्धिमान कपिल और महातपस्वी सुमति भी अपने गुरु गौतम की सेवा से अमरत्व को प्राप्त हुए हैं।
इसलिए विष्णु भक्त पुरुष कार्तिक में सब प्रकार से प्रयत्न करके गुरु की सेवा करे। ऐसा करने से उसे मोक्ष की प्राप्ति होती है। सब दानों में बढ़कर कन्यादान है, उससे भी अधिक विद्यादान है, विद्यादान से भी अधिक गोदान है, और गोदान से भी बढ़कर अन्नदान है, क्योंकि यह समस्त संसार अन्न के आधार पर ही जीवित रहता है। इसलिए कार्तिक में अन्नदान अवश्य ही करना चाहिए। कार्तिक में नियमों का पालन करने पर अवश्य ही भगवान विष्णु जी का सायुज तथा मोक्षदायक पद प्राप्त होता है। कार्तिक में ब्राह्मण पति पत्नी को भोजन कराना चाहिए, चंदन से उनका पूजन करना चाहिए, अनेक प्रकार के वस्त्र, रत्न और कंबल आदि देने चाहिए, ओढ़ने के लिए रुईदार बिछावन, जूता और छाता भी दान करना चाहिए। कार्तिक में भूमि पर शयन करने वाला मनुष्य युगो युगो के पापों को नाश कर देता है। जो कार्तिक मास में भगवान विष्णु के आगे अरुणोदय काल में जागरण करता है और नदी में स्नान, भगवान विष्णु जी की कथा का श्रवण, वैष्णवों का दर्शन तथा नित्य प्रति भगवान विष्णु जी का पूजन करता है, उसके पितरों का नरक से उद्धार हो जाता है। अहो, जिन लोगों ने भक्ति पूर्वक भगवान विष्णु का पूजन नहीं किया, वे इस कलयुग में कंदरा में गिरकर नष्ट हो गए, लुट गए। जो मनुष्य कमल के एक फूल से देवताओं के स्वामी भगवान कमलापति की पूजा करता है, वह करोड़ों जन्मों के पापों का नाश कर डालता है। हे मुनिश्रेष्ठ, जो कार्तिक में 100,000 तुलसी दल चढ़ाकर भगवान विष्णु जी की पूजा करता है, वह एक एक दल पर मुक्ता दान करने के बराबर फल प्राप्त करता है। जो भगवान के श्री अंगों से उतारी हुई प्रसाद स्वरूपा तुलसी को मुख में, मस्तक पर और शरीर में धारण करता है, वह भगवान के निर्माल्यों से अपने अंगों का मार्जन करता है, वह मनुष्य संपूर्ण रोगों और पापों से मुक्त हो जाता है। भगवत पूजन संबंधी प्रसाद स्वरूप शंख का जल, भगवान की भक्ति, निर्माल्य पुष्प आदि, चरणोदक, चंदन और धूप ब्रह्म हत्या का नाश करने वाले हैं। नारद, कार्तिक मास में प्रातःकाल स्नान करें और प्रतिदिन अपनी शक्ति के अनुसार ब्राह्मणों को अन्न दान दें, क्योंकि सब दानों में श्रेष्ठ अन्न दान ही है। अन्न से ही मनुष्य जन्म लेता है और अन्न से ही वह बढ़ता है। अन्न को ही समस्त प्राणियों का प्राण माना गया है। अन्नदान करने वाला पुरुष संसार में सब कुछ देने वाला और संपूर्ण यज्ञों का अनुष्ठान करने वाला है। पूर्व काल में सत्यकेतु ब्राह्मण ने केवल अन्नदान से सब पुण्यों का फल पाकर परम दुर्लभ मोक्ष को भी प्राप्त कर लिया था। कार्तिक मास में अनेक प्रकार के दान देकर भी यदि मनुष्य भगवान का चिंतन नहीं करता, तो वे दान उसे कभी भी पवित्र नहीं करते हैं। भगवान नाम स्मरण की महिमा का वर्णन मैं भी नहीं कर सकता। गोविंद गोविंद हरे मुरारे, गोविंद गोविंद मुकुंद कृष्ण, गोविंद गोविंद रथांग पाड़े, गोविंद दामोदर माधवेती। इस प्रकार प्रतिदिन कीर्तन करें। नित्य प्रति भगवान के आधे श्लोक या चौथाई श्लोक का भी कार्तिक में श्रद्धा और भक्ति के साथ अवश्य ही पाठ करें। जिन्होंने भगवत पुराण का श्रवण नहीं किया, पुराण पुरुष भगवान नारायण की आराधना नहीं की और ब्राह्मणों के मुख रूपी अग्नि में अन्न की आहुति नहीं दी, उन मनुष्यों का जन्म व्यर्थ है। देवर्षि, जो मनुष्य कार्तिक मास में प्रतिदिन गीता का पाठ करता है, उसके पुण्य फल का वर्णन करने की शक्ति मुझ में भी नहीं है। गीता के समान कोई शास्त्र न तो हुआ है और न ही होगा। एकमात्र गीता ही सदा सब पापों को हरने वाली और मोक्ष प्रदान करने वाली है। गीता के एक एक अध्याय का पाठ करने से मनुष्य घोर नरक से मुक्त हो जाता है, जैसे जड़ ब्राह्मण मुक्त हो गया था। 7 समुद्रों तक की पृथ्वी का दान करने से जो फल प्राप्त होता है, शालिग्राम शिला के दान करने से मनुष्य उसी फल को प्राप्त कर लेता है। अतः कार्तिक मास में स्नान और दान तथा शालिग्राम शिला का दान अवश्य करना चाहिए। बोलिए श्री हरि विष्णु भगवान की जय। दोस्तों, मेरी वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक और लोगों में शेयर कर दीजिएगा। कमेंट बॉक्स में ओम नमो भगवते वासुदेवाय अवश्य लिखिएगा। चैनल पे पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। फिर मिलती हूँ अन्य वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। नमः शिवाय। हर हर महादेव।